Morning, everyone. Good evening, ma'am. Okay, so shall we start our next session? Please. Okay. अभी इस अपने नेक्स्ट सेशन में मुझे कहा गया कि मैं आपसे बात करूं गोल सेटिंग या लक्ष्यों के निर्धारण के बारे में. तो ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते समझते और मानते भी होंगे कि हम सबके लिए अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कहीं भी हो, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य अपने लिए ज़रूर बनाएं, कुछ ना कुछ गोल्स अपने लिए ज़रूर बनाएं. तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि बेसिकली हमें अपने लिए लक्ष्य, किस तरह के लक्ष्य हमें अपने लिए निर्धारित करने चाहिए, इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और क्या बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ या ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज होना चाहिए जिससे कि हम लक्ष्यों का निर्धारण अपने लिए सही तरीके से कर सकें. ठीक है, इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आज करेंगे. मैं सबसे पहले आपके साथ एक छोटा सा गेम आपको मैं दिखाना चाहती हूँ. आप सबने जेंगा ब्लॉक्स के बारे में सुना होगा. देखिए, जेंगा ब्लॉक्स जो है वो कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं. आप में से कई लोगों ने बच्चों को खेलने के लिए भी दिए होंगे, और इन ब्लॉक्स के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा जेंगा ब्लॉक्स के बारे में, राइट. इन ब्लॉक्स को हम अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं और उसके बाद इससे बच्चों को हम खेलने के लिए देते हैं ये जेंगा ब्लॉक्स, राइट. तो इसके बहुत 100, 50, 100 ऐसे ब्लॉक्स के हमारे पास बॉक्सेस मिलते हैं मार्केट में, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं हम खेल के लिए. ठीक है, अब मैं अपने इस सेशन की शुरुआत जेंगा ब्लॉक्स के एक गेम से करती हूँ. भले वो गेम आप लोग नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मान लीजिए कि मैंने आप पूरे पार्टिसिपेंट्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब आपके 3 ग्रुप बन गए हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप तीनों के तीनों ग्रुप अपने लिए एक एक लीडर चुन लें. और उसके बाद मैं आपसे कहती हूँ कि अब हर टीम को अपने टीम मेंबर्स को और लीडर को आपस में डिस्कस करके अपने लिए एक इस तरह का एक ऐसा टारगेट सेट करना है कि आप इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक कितना दूर तक इनका कॉलम बना सकते हैं, राइट. अभी मैंने आपके सामने 5 ब्लॉक्स का कॉलम बनाया, लेकिन ये कॉलम, दिस कॉलम कैन बी एक्सटेंडेड, क्योंकि बहुत ही स्मूथ ब्लॉक्स हैं, तो आप ये कॉलम कितने भी ऊपर तक बना सकते हैं, 30, 40, 50 तक भी आप ये कॉलम इसका बना सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अपने तीनों टीम के लीडर्स को कहा है कि आप अपने लिए ये टारगेट सेट करें कि आप कितने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक लगाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तीनों टीम्स ने अपने अपने लिए एक एक टारगेट सेट किए. टीम ए मुझसे कहती है कि वो लोग टोटल 15 ब्लॉक एक के ऊपर एक लगाएंगे. टीम बी मुझसे कहती है कि वो 28 ब्लॉक्स लगा सकते हैं, और टीम सी मुझसे कहती है कि वो 20 ब्लॉक्स लगा सकते हैं. ठीक है, अब मैंने उनसे कहा कि आप अपने लीडर को भेजिए सामने और उसको कहिए कि इस ब्लॉक्स को सेट करें. ठीक है, अब टीम ए का लीडर आता है. वो द लीडर इज वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट का है, और हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है वो लीडर. तो वो जब ये ब्लॉक्स लगाना शुरू करता है, तो वो एक के ऊपर एक 25 ब्लॉक्स लगाता है, और 26वें ब्लॉक पे उसका कॉलम टूट जाता है. उसने लगाए 25 ब्लॉक, उसका टारगेट था 15 ब्लॉक्स का, उसने लगाए 25 ब्लॉक्स, राइट. अब मैंने टीम बी के लीडर को बुलाया, जिसने टारगेट लिया है 28 ब्लॉक्स. ठीक है, टीम ने अपने लिए लीडर चुना है. वो लीडर सामने आते हैं. जब वो ब्लॉक्स लगाने चाहते हैं, तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं. आप भी जब आएंगे ना, तो इनिशियली आपके हाथ कांपेंगे, उनके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं. किसी तरह वो 15 ब्लॉक लगा पाते हैं और उनका कॉलम गिर जाता है. ठीक है, टारगेट था 28 का, उन्होंने लगाए सिर्फ 15 ब्लॉक्स. ठीक है, अब तीसरी टीम आती है, उसके लिए उन्होंने लिया है टारगेट 20 का टारगेट लिया है, और उनके टीम के लीडर आके 21 ब्लॉक लगाते हैं, और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया. ठीक है, अब ये 3 रिजल्ट्स मेरे सामने हैं. जब ये गेम चल रहा था, तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जिस टीम के लीडर वहां पर ब्लॉक्स लगा रहे थे, उस टीम के लोग बड़ा उनको चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे,
और जो ओपोनेंट टीम थी, दूसरी टीम थी, उस टीम के लोग उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, थोड़ा कुछ लोग टेबल वेबल हिलाने की भी कोशिश कर रहे थे, इस तरह से काम चल रहा था। ठीक है, अब ये गेम पूरा ओवर हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस गेम से गोल सेटिंग के मामले में क्या लेसन्स ले सकते हैं, या कैसे हम इस पूरे गेम से गोल सेटिंग के मुद्दे को समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जब हमने अपनी टीम के लिए लीडर चुना, तो हमको अपना लीडर पोजिशनल बेस पे ना चुन के चुनना चाहिए था, पर्सनल कैपेबिलिटीज की बेस पे। टीम टू का, टीम बी का जो लीडर था, ब्लॉक लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे, तो टीम बी को पहले ये देख लेना चाहिए था कि उसका लीडर केपेबल है कि नहीं उस टारगेट को पूरा करने। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, पहली टीम ने टारगेट लिया था 15 का और उसने लगाया 25 ब्लॉक लगाए उसने, इसका मतलब टीम ने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अपने लिए जो टारगेट उन्होंने सेट किया, दैट वॉज वेरी लेस, वो तो उससे बहुत ज्यादा कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी क्षमताओं को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। आते हैं टीम बी पर, टीम बी ने कहा था हम 25 लगाएंगे, वो 15 पे आके 28 लगाएंगे, उन्होंने कहा था वो 15 पे आके अटक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी और अपने टीम लीडर की कैपेबिलिटीज को, अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर लिया, इतना बड़ा टारगेट ले लिया जो उनके लिए पूरा करना संभव ही नहीं था। और तीसरी टीम जो थी हमारी, जिसने कि 20 का टारगेट लिया था और उसने 21 ब्लॉक्स लगाए, वो टीम आप कह सकते हैं कि बहुत परफेक्ट निकली अपने टारगेट्स को सेट करने में और अपने टारगेट्स को अचीव करने में। तो उन्होंने क्या क्या असेस किया होगा, अपनी टीम की क्षमताएं, अपने लीडर की क्षमताएं, सारा कुछ पहले असेसमेंट करी होगी उन्हें कि हम इतना ही कर सकते हैं, नॉट लेस देन दिस एंड नॉट मोर देन दैट, और उन्होंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित। तो जब भी हम अपने लक्ष्य निर्धारित करें, हाँ इसमें देखिए एक बात और है कि जब कोई एक टीम का लीडर ब्लॉक्स लगा रहा था तो उसके टीम के लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरे टीम के लोग उसको डिस्टर्ब भी कर रहे थे। तो जब आप गोल सेट करें ना, तो आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन आपकी साइड है और कौन आपके विरोध में, कौन आपको सपोर्ट करने वाला है, कौन आपका सपोर्ट, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, राइट। इस चीज का भी ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ऑपोजिट टीम के लोग जिनको आप ऑपोजिट मानते हैं वो भी आपकी मदद करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपने लिए लक्ष्यों का निर्धारण करते समय पहले आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स, अपने लोग, अपने आसपास सब चीजों का आकलन करना चाहिए, फिर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, राइट। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि वास्तव में ये लक्ष्य हैं क्या, कैसे इनको आप निर्धारित करें, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली लक्ष्य या गोल होते क्या है? अ गोल इज अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन प्लान्स और कमिट्स टू। कोई भी व्यक्ति ऐसे, कोई भी व्यक्ति जो हासिल करना चाहता है, अगर आप बहुत साधारण से शब्दों में इसको डिस्क्राइब करें गोल को, तो समथिंग यू वुड लाइक टू अचीव, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, दैट इज योर गोल, इज इट? वही आपका लक्ष्य है, वही आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसको उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप कमिटेड है, आप प्रतिबद्ध, वही आपका गोल है, आपका लक्ष्य या आपका टारगेट, राइट। अब क्या टारगेट सेट करने के कोई फायदे हो सकते हैं? क्यों हमें टारगेट सेट करने की जरूरत? अगर आप सोचें अपने पुराने दिनों में जाएं, जब आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा, तो आप पाएंगे कि जब आप अपने लिए एक टारगेट बना लेते हैं, तो आपको एक फोकस मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है, एक पर्पस मिलता है कि यस, इस दिशा में मुझे अब आगे बढ़ना है। अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे आगे चल के एक कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो मुझे अब से क्या 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 स्टेप्स फॉलो करने हैं, मुझे क्या क्या करना है, तो ये एक डायरेक्शन, ये एक फोकस, ये एक पर्पस आपको देता है। इसलिए आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है, गोल सेट करना आपके लिए आवश्यक है, राइट। आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए।
गोल और एम में थोड़ा डिफरेंस बताएं, गोल एंड एम्स डिफरेंस। देखिए ये अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अगर आप हिंदी में देखें तो आप दोनों में ही पाएंगे, आपकी लक्ष्य होता है दोनों का मतलब होता है। हिंदी में आप इन दोनों शब्दों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं मुझे, एम यानी क्या होता हाँ है। मैडम, गोल का लक्ष्य मैन, गोल हाँ की हिंदी लक्ष्य है, एम की हिंदी उद्देश्य है। हाँ एम की हिंदी उद्देश्य आप कहते हैं, या एम की हिंदी भी लक्ष्य है। ऑब्जेक्टिव इज उद्देश्य, है जी ऑब्जेक्टिव जी उद्देश्य। मुझे लगता है कि दोनों शब्द लगभग एक से ही शब्द है, लगभग एक से ही शब्द है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य या गोल जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म। हेलो हेलो हाँ बोलिए। मैम, क्या क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि गोल जो होता है एक बड़ा विजन जैसा होता है, और उस विजन को अचीव करने के लिए छोटा छोटा अपन एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एम के एंड रूप दैट में इज कॉल्ड लेते हैं, क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव, कह सकते एक्चुअली हैं? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जो जी हम जी वही कहना चाह रहा था गोल कि को अचीव उस एम करने के को अचीव लिए, करने के लिए अपन जो सेट जी करते हैं स्ट्रेटजी, वो जी ऑब्जेक्टिव के दैट इज रूप में होता है। ऑब्जेक्टिव, आप उसको एम भी कह लीजिए, सामान्यतः हम उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उद्देश्य। ओके ओके। तो अगर हम समय के टर्म्स में देखें तो हम पाएंगे कि गोल दो तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वो गोल्स जिनको आपको अचीव करने में बहुत समय आपके पास है जिनको अचीव करने के लिए, और शॉर्ट टर्म जो कि बहुत नियर फ्यूचर में आप अचीव करने वाले। तो आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो लॉन्ग टर्म गोल्स में आप ले सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट के पहले मेरा एक अपना घर होना चाहिए, दिस इज माई गोल। तो आज से 20, 25 या 30 साल के अंदर आपके पास एक घर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल। एंड शॉर्ट टर्म गोल इज लाइक कि एक वीक में ये रिपोर्ट बना के सबमिट कर देनी है, या इस तरह के कोई भी, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। लेकिन गोल्स चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये कई तरह के हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा लक्ष्यों के बारे में ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो बड़े ही रूटीन के होते हैं, रोजमर्रा के, कि आज सुबह उठे और हमने ये सोचा कि आज हमारा दिन भर क्या क्या करना है। तो सुबह से जो भी आपका रूटीन होता हो, इतने बजे उठना, इतना टाइम योगा, एक्सरसाइज, गार्डनिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, फ्रेश अप होना, ऑफिस ऑफिस में जो भी काम, तो ये जो रूटीन के जो गोल्स होते हैं हर दिन के, हर हफ्ते या हर महीने के, ये एक कैटेगरी हो गई गोल्स की जो बिल्कुल ऑनगोइंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है गोल्स की, वो हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व, जब भी आप कहीं किसी समस्या में हैं जहां पर कि आपको उस समस्या से बाहर निकलना है, उस समस्या का समाधान चाहिए, तो इस तरह के कोई लक्ष्य आप बना सकते हैं कि ये बहुत हो गया, अब एक हफ्ते के अंदर मुझे इस समस्या से बाहर निकलना ही होगा, एनी हाउ जो भी करूं, जितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मेरा बिल्कुल ये टारगेट है कि मुझे अब एक हफ्ते के अंदर, लाइक इस तरह के गोल्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ ऐसे गोल्स की एक कैटेगरी हो सकती है जो बड़े इनोवेटिव हो सकते हैं, कोई नए आइडियाज, कोई नई नई चीजें आप करने के बारे में सोच सकते हैं, कि अब कोई काम आप किसी एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, आप सोचते हैं चलिए कोई नया तरीका ढूंढा जाए, कोई तो नया इनोवेशन जरूर मुझे करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें इनोवेट हुई होंगी आप सोचिए आज तक, वो सब कहीं ना कहीं इसी तरह से हुई होंगी कि एक नॉर्मल रूटीन तरीके से इस काम को किया जाना संभव नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स पे विचार किया जाए, और ये ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं जाकर एक इनोवेशन बन जाता है, राइट? कि नॉर्मल तरीके से या इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो चलो कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, एंड दिस अल्टरनेटिव फाइनली बिकम्स एन इनोवेशन। तो ये इनोवेटिव टाइप के भी कुछ गोल्स हो सकते हैं। कुछ गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड गोल्स किस तरह के हो सकते हैं? आपने मास्टर्स कर लिया है, मान लीजिए आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं पीएचडी करने से। पहला तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 2-3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। दूसरा आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ जाता है, बड़ा एक आप हाई फील करने लगते हैं, राइट? तो इस तरह के कुछ गोल्स हो सकते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, जिसमें आप सोचें 3 साल के अंदर पीएचडी
जॉब ज्वाइन करते ही कर ही लेना चाहिए इस तरह के कुछ पर्सनल। आप देखिए आजकल इंजीनियरिंग के साथ एमबीए का कॉम्बिनेशन बड़ा डिमांड में है, इसमें आप बहुत हाई पैकेजेस में बढ़िया नौकरियां आपको मिल रही हैं। तो ये इस तरह के गोल्स की नहीं, इंजीनियरिंग तो कर लिया लेकिन एमबीए भी करना बिल्कुल जरूरी है, ये मेरा लक्ष्य है, तभी जॉब ज्वाइन करनी है। ये पर्सनल ग्रोथ का आपका लक्ष्य हो सकता है, इस तरह के कुछ लक्ष्य हो सकते हैं जो कि आपको पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। कुछ ऐसे लक्ष्य भी हो सकते हैं जो जॉब एनरिच करते हो आप। अब जॉब एनरिच कैसे कर सकते हैं गोल्स, थोड़ा सा सोचिए आप। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है कि ऐसे भी कोई गोल्स हो सकते हैं क्या जो कि जॉब एनरिच करते हो आप? जो भी प्रेजेंट असाइनमेंट है, जो भी प्रेजेंट जॉब है, उसको कैसे एनरिच कर सकते हैं? ऐसे भी कोई गोल्स हो सकते हैं क्या? यस एनीवन? नहीं, चलिए मैं ही That's बता। related with that particular job. आपके आपके जितने भी अभी सेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने आपके सेशंस लिए होंगे, राइट? तो बेसिकली दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दे आर आइदर सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर और एनीथिंग, बट वो एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, राइट? सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य बनाया कि यस, मुझे एक अच्छा ट्रेनर भी बनना है, मुझे अपने नॉलेज को लोगों के साथ बांटना है, शेयर करना है, तो मैं एक अच्छा ट्रेनिंग स्किल अपने अंदर डेवलप कर लूँ। सो दिस इज एनरिचमेंट फॉर मी। तो ऐसा किया उन्होंने। वी आर नॉट सपोज टू कोट आर सेल्स एज एग्जाम्पल्स, बट स्टिल मैंने आपको शुरू में बताया कि आई एम अ जियोलॉजिस्ट, आई वर्क इन माइनिंग डिपार्टमेंट फॉर 22 ईयर्स। लेकिन जैसे ही मैंने प्रशासन अकादमी को ज्वाइन किया, आई थॉट कि अगर मुझे अकादमी में रहना है तो आई हैव टू बिकम अ गुड ट्रेनर। सो आई डेवेलप्ड माई सेल्फ एज अ ट्रेनर। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन करे, मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड करे और कोशिश की कि मैं भी एक ट्रेनर बन जाऊँ, राइट? सो दिस इज जॉब एनरिचमेंट, राइट? एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल अगर आप लेने के लिए आपका कोई टारगेट है तो दैट गोल इज फॉर योर जॉब एनरिचमेंट, राइट? तो गोल्स इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन लेकिन आपका कोई भी गोल हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो रूटीन का हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या कोई जॉब एनरिचमेंट हो, कोई भी लक्ष्य हो आप, आपके लक्ष्यों को हमेशा स्मार्ट होने की जरूरत, SMART, स्मार्ट गोल्स होने की जरूरत है। हियर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल या गणना कर सकने योग्य, ए इज फॉर अचीवेबल और अटेनेबल, एनीथिंग कैन बी, जिसको कि प्राप्त किया जा सके, हासिल किया जा सके। आर इज फॉर रियलिस्टिक और रेलिवेंट, रियलिस्टिक वास्तविकता के करीब, रेलिवेंट आपके काम से, I'm sorry. और टी इज फॉर टाइम। तो कोई भी लक्ष्य आप बनाए अपने लिए, कोई भी गोल आप अपने लिए सेट करें, स्मार्ट के पैरामीटर्स पे उसे परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा हम अपने इन स्मार्ट गोल्स को एग्जांपल्स के साथ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये कहते हैं कि लक्ष्यों को स्मार्ट होना चाहिए, क्या बेसिकली मीन करते हैं हम जब हम SMART आपको कहते हैं अपने लक्ष्यों के बारे में। एस इज फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ऐसा नहीं कि अरे यार ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, देखा जाएगा जो करना होगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ सेटिंग योर टारगेट। जब भी आप टारगेट सेट करें, बिल्कुल स्पेसिफिक। मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि मैं कंप्यूटर्स लर्न करना चाहती हूँ। व्हाट यू से, क्या ये एक स्मार्ट टारगेट है? कंप्यूटर करना, कंप्यूटर सीखना, आपने कई लोगों से ये शब्द सुना होगा कि कंप्यूटर सीख रहे हैं। सो व्हाट दे आर लर्निंग, लाइक कंप्यूटर सीखना मतलब क्या? ऐसे तो आप कंप्यूटर सीखते ही रहेंगे और आप कभी पूरा सीख नहीं पाएंगे। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक, बट इफ आई से कि मेरा टारगेट है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सीख ही लूँ, सो दैट आई कैन टाइप द थिंग्स बेटर, तो ये दिस कैन बी अ स्मार्टर वन। कि मैंने एक स्पेसिफिक टारगेट लिया है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सीख लेना है या मुझे वर्ड पूरा सीख लेना है, तो दिस इज स्पेसिफिक टारगेट, राइट? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने जब अपना स्कूल या कॉलेज खत्म किया तो आई थॉट कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, राइट? इज दिस अ स्मार्ट वन? सरकारी नौकरी, कौन सी नौकरी करना चाहते हो भैया? क्या आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो? आप टीचर बनना चाहते हो? आप क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो?
राइट। तो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं हो कि ये मुझे सिविल सर्विसेज जाना है, तो मुझे पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, राइट। या आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड कर लेना चाहिए, या आपको जो भी सीटेट या जिस तरह के भी एग्जाम्स होते हैं वो जरूर क्लियर कर लेना चाहिए, सो दैट आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओ। आप अगर किसी लोअर पोस्ट से गवर्नमेंट में एंटर करना चाहते हो तो आपको दूसरे एग्जाम्स अपियर करना चाहिए। I'm sorry. तो आपके लक्ष्यों को हमेशा बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि आपको आउटकम्स भी स्पेसिफिकली मिल पाए, राइट। स्मार्ट का दूसरा लेटर है एम। एम इज मेजरेबल। मेजरेबल मतलब गणना कर सकने योगी। गणना कर सकने योगी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा क्वांटिटी में मेजर करें अपने रिजल्ट्स को, क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी हो सकती है, लेकिन जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके एंड रिजल्ट्स को आप मेजर कर सकें। यस, मैंने सोचा था कि मुझे मेरा ये टारगेट है और मैंने ये अचीव कर लिया। मैंने सोचा था कि मुझे तहसीलदार बनना है और अब मैं तहसीलदार बन गया, राइट। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे तो मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट व्यक्ति बन, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति बन जाऊं या मैं एक बहुत एथिकल व्यक्ति बन जाऊं, सो डू यू थिंक दिस इज अ स्मार्ट टारगेट? कि कोई एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कैन एनीबॉडी से कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट हो गया या वो पूरी तरह से एथिकल हो गया? दिस इज नॉट अ स्मार्ट टारगेट, बिकॉज आप उसके रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा लक्ष्य है कि मैं अंग्रेजी सीख जाऊं, अंग्रेजी सीखना इज माय लक्ष्य, तो क्या एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने पूरी अंग्रेजी सीख ली? नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं इतनी अंग्रेजी सीख जाऊं जितना मैं अपना लिखना बोलना पढ़ना काम चला सकती, तो इट इज अचीवेबल, इट इज मेजरेबल कि हाँ मुझे लिखना आ गया है, हाँ मुझे पढ़ना आ गया है, राइट। तो लक्ष्यों को हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, जिसमें कि आप मेजर कर सके कि आपने हासिल कर लिया या अचीव कर लिया। लक्ष्यों को हमेशा, ए इज फॉर अटेनेबल और अचीवेबल, लक्ष्यों को हमेशा प्राप्त कर सकने योग्य होना चाहिए, समथिंग यू आर केपेबल टू अचीव, केपेबल टू रीच दैट, आपकी क्षमताओं में उसको अचीवेबल होना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल एक आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सेकंड डिवीजन में मैंने स्कूलिंग कॉलेज अपना किया और मेरा लक्ष्य है कि मुझे आईएएस ऑफिसर ऑफिसर बनना। सो इज दिस अ टारगेट और व्हाट यू से एनीवन? नो मैडम, वी यस वी शुड वन शुड नो द लिमिट्स, नो द कॉम्पिटेंसीज, नो द कैपेसिटीज ऑफ आवरसेल्फ्स। अगर अपना कैपेसिटी से बहुत ऊंचा लक्ष्य अगर रखेंगे तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम और डिप्रेशन भी आ सकता है मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन मैडम इसमें एक बात और है कि हम तो ये कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मेहनत और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से अगर आप काम करें तो यू कैन अचीव एनीथिंग, isn't it? Yeah, that's a thing. इसको अटेनेबल होना चाहिए। नहीं, मैं अपनी ही बात कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करती हूँ आपको। मैं यहाँ पर कहना ये चाहती हूँ कि जो भी लक्ष्य आप बनाए वो आपकी वर्तमान क्षमताओं में अचीवेबल होना चाहिए, राइट। क्षमता बढ़ाकर आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, और अपनी क्षमताएं बढ़ाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते। लेकिन जब आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं उस समय आपकी जो क्षमता है आप उसके अनुसार लक्ष्य बनाएं। मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, राइट। अब आज मेरा वजन इतना है, उम्र इतनी ज्यादा है कि मैं डोंगरगढ़ की पहाड़ी तो चढ़ नहीं पाती हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट अ स्मार्ट वन। लेकिन अगर मैं अपना वेट कम कर लूं, मैं बहुत सारा माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग ले लूं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लूं, तो माउंट एवरेस्ट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, isn't it? राइट। तो वर्तमान कैपेसिटी, वर्तमान आपके अथॉरिटी क्या है, ये आपको देखने की जरूरत है। मुझे वर्ल्ड टूर करना, ये मेरा टारगेट है। अब मेरी तनख्वाह में मेरा घर तो मुश्किल से चलता है, मैं वर्ल्ड टूर करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैंने लक्ष्य बनाया,
लेकिन अगर मैं हर महीने कुछ बचत करूं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करूं, तो मैं इतने पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ कि आई कैन डू वर्ल्ड टूर। तो उस समय वो अचीवेबल हो सकता है, बट प्रेजेंट सिचुएशन में इट इज नॉट अचीवेबल। आप ऑफिस के मामलों में भी देखें, अगर आपने किसी एक स्कूल को ज्वाइन किया और आपने टीचर एक स्कूल को ज्वाइन किया और आप सोचते हैं कि अब स्कूल में पूरी पढ़ाई जो है वो स्मार्ट क्लासरूम से होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है, या पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होगी, ऐसे नहीं, क्लासरूम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। तो क्या ये आपकी अथॉरिटी में है एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल? ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन अगर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ऑफ द स्टेट ये डिसाइड करते हैं कि स्कूल्स में पढ़ाई ऑनलाइन ऑनलाइन होनी है, तो इट इज इन हिज अथॉरिटी, ही कैन डू दैट, बट यू एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल यू कांट, राइट? तो जब भी आप लक्ष्य प्रेजेंट कैपेसिटी, प्रेजेंट अथॉरिटी, प्रेजेंट रिसोर्सेज, प्रेजेंट स्किल में आपके लक्ष्यों को अचीवेबल होना चाहिए, राइट? आप अपनी कैपेसिटी स्किल बढ़ाकर कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं, बट यहां बात है प्रेजेंट कैपेसिटीज की, राइट? आगे बढ़े, आर इज रेलिवेंट और रियलिस्टिक? आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट का अगला लेटर है आर। आर इज फॉर रेलिवेंट। जब भी आप अपने लिए कोई लक्ष्य बनाएं, उन लक्ष्यों को रेलिवेंट होना चाहिए या रियलिस्टिक होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत आपकी वास्तविकता के करीब होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपके काम से, आपके एक्टिविटीज से, आपके मिशन से, आपके प्लानिंग से, आपके डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कहीं ना कहीं से लिंक्ड होना चाहिए, या किसी ना किसी रूप में उसके लिए फायदेमंद होना चाहिए। ऐसे कोई वेग सा लक्ष्य नहीं बना लेना है हमको कि जिसका कोई सिर पैर ना हो, जिसके कोई फायदे ना होते हो। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में सीनियर फैकल्टी हूँ और मैंने अपने लिए एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे लोहे के औजार बनाना सीखना है। इज दिस अ रिलेवेंट थिंग? क्यों क्यों मुझे सीखना है? क्या काम है लोहे के औजार बनाने? कुछ भी काम नहीं है मुझे। या एक स्कूल का या कॉलेज का बच्चा, वो कहता है कि मुझे जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना बच्चे हमारे साथ, मुझे कैंडी क्रश के 1000 लेवल तक पहुंचना है, दिस इज माई टारगेट। सो इज दिस रेलेवेंट? क्या होगा अगर कैंडी क्रश में 1000 लेवल तक पहुंच जाएगा? तो अपना टाइम वेस्ट करेगा, अपनी आंखें खराब करेगा, थोड़ी सी दोस्तों के सामने इज्जत बढ़ा लेगा कि वो यार तू तो 1000 लेवल तक पहुंच गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो क्या ये किसी भी सीन में रियलिस्टिक या रेलेवेंट लगता है आपको? नहीं लगता, आई एम श्योर नहीं लगता होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो टारगेट्स को ऐसा होना चाहिए जो आपके काम से रिलेवेंट हो। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो आप टीचिंग स्किल सीखें, दैट इज रेलेवेंट फॉर यू। आप नया नया लिटरेचर पढ़ें, आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज सोचें और उसके लिए अपने टारगेट सेट करें, दैट इज रियलिस्टिक ऑल्सो एंड रेलिवेंट फॉर यू ऑल्सो, राइट? तो इस तरह से अगर हम अपने लक्ष्य सेट करें जो कि रेलिवेंट हो, तो वो हम सबके लिए स्मार्ट भी होंगे और बेहतर भी होंगे। और इस स्मार्ट का आखिरी लेटर है टी और टाइम बाउंड। लक्ष्यों के लिए आपको कभी भी ओपन एंड नहीं छोड़ना है, हमेशा एक डेडलाइन सेट करनी है कि इस निर्धारित अवधि में मैं ये काम पूरा करूँ। अदरवाइज पीएससी क्लियर करना है, 8 साल तक पीएससी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कुछ एक लिमिट तो होनी चाहिए कि 3 साल में, 4 साल में। ये बहुत एक वेग सा एग्जाम्पल था, लेकिन आप इसमें और भी कई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि निर्धारित समय सीमा होना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इस अवधि में मुझे अपने लक्ष्यों को पूरा करना, राइट? देखिए मैं आपके सामने दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स रखती हूँ और आप बहुत अच्छे से ये जज कर पाएंगे कि विच वन इज स्मार्ट एंड विच इज नॉट। पहला मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे अंतरिक्ष यात्रा करनी है, मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ, ये मेरा लक्ष्य, ठीक है। दूसरा एक स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, एंड दैट इज मुझे अगले 6 महीने में, मुझे अगले 6 महीने में जिम एक्सरसाइज और डाइट करके अपना वजन 10 किलो कम करना है। ये दो स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी।
अब आप मुझे बताएं कि विच वन इज अ स्मार्ट स्टेटमेंट और स्मार्ट टारगेट. सेकंड वन मैम. सेकंड वन. व्हाई व्हाई सेकंड वन? सेकंड वन डिपेंड्स अपॉन माय सेल्फ. आई कैन डू इट. इट It is my willpower. I have the capacity to do. Regarding Antariksh Yatra, this is beyond my authority. Hello. But फिर भी आप कर तो सकते हैं ना? कर तो सकते हैं. मैं आपको कह रही हूँ कि जो हमारा जो दूसरा लक्ष्य है, ये हमारे स्मार्ट की कैटेगरी पे बिल्कुल खराब करता है. Yeah, that's it. Completely on the smart. On the smart scale. Obeying the smart. Destination, ma'am. Yes. आपका माइक ऑन नहीं है मिस्टर तिवारी जी. यस इट इज वेरी लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन एंड इट्स नॉट श्योर दैट आई कैन कंप्लीट दैट टारगेट मैम. ओके देखिए मेरा जो पहला लक्ष्य था मुझे नहीं मालूम कि मैं ये काम कैसे करने वाली. मुझे नहीं मालूम कि मैं इसमें सक्षम हूं या नहीं. मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कब तक ये काम कर पाऊंगी. मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं कि मैं ये काम कर पाऊं. लेकिन दूसरे लक्ष्य में मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मुझे मेरा वजन कम करना है और जिम और एक्सरसाइज और डाइट करके करना है. बहुत स्पेसिफिक है मेरा लक्ष्य, मेजरेबल है. अगर आज मेरा वजन 70 किलो है और अगर मैं पूरा प्रैक्टिस करती हूँ और 60 किलो कर लेती हूँ, मतलब मैंने अपना लक्ष्य पा लिया. ठीक है, बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि 70 किलो वजन मेरे लिए ज्यादा है तो मुझे 60 किलो कर लेना चाहिए. तो इट इज रेलेवेंट ऑल्सो, इट इज टाइम बाउंड ऑल्सो, राइट, ए अचीवेबल ऑल्सो क्योंकि मैं जिम भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और मैं डाइट भी कर रही हूँ. तो इट इज अचीवेबल ऑल्सो एंड इट इज टाइम बाउंड. मैंने कहा 6 महीने के अंदर मुझे, राइट. तो अगर आपके टारगेट्स आपके लक्ष्य स्मार्ट के पैरामीटर्स पे सही उतरते हैं तो वो आप उनको हासिल कर सकते हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं. तो जब भी आप कोई अपने लिए टारगेट सेट करें तो हमेशा उनको स्मार्ट के पैरामीटर्स पे एक बार परख के जरूर देखें कि क्या ये लक्ष्य मैंने अपने लिए सही निर्धारित किए हैं या नहीं किए, राइट. तो ये तो बात हुई लक्ष्यों के बारे में कि लक्ष्य कैसे होने चाहिए. अब लक्ष्य निर्धारित करते समय हमको क्या करना है इसके बारे में बस मैं आपसे 5-10 मिनट और बात करती हूँ, उसके बाद फिर. तो गोल सेटिंग का मतलब क्या है? गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण, अभी तक हम लक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे, अब लक्ष्य निर्धारण पे आते हैं. गोल सेटिंग बेसिकली अगर बहुत आसान से शब्दों में आप समझे तो गोल सेटिंग बेसिकली है एक एक्शन प्लान डेवलप करना, किसी भी लक्ष्य को अर्जित करने हासिल करने के लिए एक एक्शन प्लान डेवलप करना जो कि आपको हमेशा मोटिवेट भी करता रहे और जो कि आपको हमेशा गाइड भी करता है. ऐसा एक एक्शन प्लान अगर आप डेवलप करते हैं दैट इज योर गोल सेटिंग, राइट. गोल सेटिंग के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं. बड़ा थोड़ा सा ये थियोरिटिकल आपको लग सकता है स्टेप्स फॉलो करना, बट स्टिल एक प्रोसीजर हर चीज का होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर हर चीज का होता है जिससे कि आप उस काम को अचीव कर सकते हैं. तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपके गोल सेटिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल. हम एक एग्जांपल लेके आगे चलते हैं सो दैट हम बहुत क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि स्टेप से मेरा तात्पर्य क्या है. एक एग्जांपल मैंने लिया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या आपके एससीईआरटी का ये लक्ष्य है कि उसे 9th से 12th क्लास तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन करनी है, राइट. आपका गोल आइडेंटिफाई हो गया. इज दिस अ स्मार्ट वन? क्या ये गोल स्मार्ट है? मैंने एक गोल आइडेंटिफाई किया कि अगस्त महीने से मेरे राज्य की 9th से 12th क्लास तक की सारी क्लासेस को ऑनलाइन होना है. अगस्त महीने से या सितंबर महीने से या किसी भी महीने से अगले 3 महीनों के लिए मेरे राज्य की सभी 9th से 12th की क्लासेस ऑनलाइन होंगी. क्या ये एक स्मार्ट लक्ष्य है? यस मैम, स्मार्ट गोल. ठीक है, हमने एक स्मार्ट गोल बना लिया. अब हमको इस गोल के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. शुरू में हम बात कर रहे थे इस सेशन के तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था
कि एम या ऑब्जेक्टिव क्या है. तो देखिए यहाँ अगर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि गोल एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंतर्गत आप कई सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं. तो अगर मेरा गोल है क्लासेस को ऑनलाइन करने के बारे में, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए. मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये सब हो सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, मुझे कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, मुझे इंटरनेट सिस्टम प्रॉपर ऑनबोर्ड चाहिए, मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि इस प्रोग्राम को हैंडल कर सके, मुझे फाइनेंस भी चाहिए इसके लिए, मुझे अपने बच्चों में भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके पास सब कुछ हो. तो ये सारे अलग अलग पार्ट में मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा हो सकता है कि मैं बच्चों को सारी फैसिलिटीज बच्चों के पास है या नहीं ये मैं इंश्योर करूं. तो इस तरह से एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकती है टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल, राइट. तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर लिए. अब मुझे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स भी जरूर देखने होंगे कि जो मैंने अपने लक्ष्य के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसमें कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं. डेफिनेटली होंगे, आपने जो गोल आइडेंटिफाई किया है इसके लिए बिल्कुल होंगे. क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपके पास? इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, आप कहाँ से लेकर आएंगे, कितना इफेक्टिव होगा, बच्चों के पास क्या इतनी फैसिलिटीज आप क्रिएट कर पाएंगे, हर किसी के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप, उसके बाद नेट कनेक्टिविटी, ये सब क्या हो पाएगा. फिर उसके बाद अगर 9th से 12th तक है तो 10th 11th में तो आप प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो क्या ये संभव होगा, प्रैक्टिकल्स हम कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, फिर हम एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे. ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आपके इस गोल को अचीव करने में आपके सामने आएंगे. ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, इनको भी लिस्ट आउट करना है आप. उसके बाद आपको लोग आइडेंटिफाई करना है, आपके इस गोल को फुलफिल करने में, कंप्लीट करने में कौन से लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको पूरे टीचर्स, आपको पूरा टेक्निकल स्टाफ, क्या क्या लगेगा. उसके बाद स्किल्स क्या क्या लगेंगे, आपके टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस का सारा सिस्टम आना चाहिए, उनको अपने लेक्चर्स नए सिरे से बनाने पड़ेंगे. लाइक आज मुझे आप लोगों को टीम बिल्डिंग पढ़ाने के लिए पहले 2 दिन अपना प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा, क्योंकि जब मैं क्लासरूम टीचिंग करती हूँ तो मुझे तो सारा तो मेरा एक्सरसाइज बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होता है, वहां मुझे प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन यहाँ आपके साथ ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा. तो ये सारे स्किल्स, क्या क्या स्किल्स लगेंगे, कैसे कैसे आप इस काम को अंजाम देंगे जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक पूरा प्लान डेवलप करना होगा, एक पूरा प्लान बनाना होगा. क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक होंगे, कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, कितने बच्चे एक क्लास को ज्वाइन करेंगे, किस प्रोग्राम से ये होगा, क्लास कहाँ बैठ के ली जाएगी, ये सारा कुछ, कितने घंटे का एक सेशन होगा, ये सारा कुछ प्लानिंग आपको अपने इस गोल को अचीव करने के लिए करना पड़ेगा, राइट. तो इस तरह से कोई भी गोल अगर आपने अपने लिए सेट किया है तो उसको अचीव करने के लिए आपको इन स्टेप्स पे जाना होगा, जो स्टेप्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं. अग्री, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, बस 5-10 मिनट में आपके और लेती हूँ, हार्डली आई थिंक 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम. अगर आपने अपने लक्ष्यों के लिए प्लान नहीं बनाया है ना, तो लाइक अ विश, मैं ये करना चाहता हूँ, बस करना चाहता हूँ करके मैं बैठ गया हूँ. लेकिन जब तक मेरे पास एक प्लान नहीं है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करना चाहता हूँ, तब तक इट इज जस्ट अ विश, इट इज नॉट अ गोल, राइट. तो थोड़ा सा क्लियर डिफरेंस क्लियर कर ले आपकी विश क्या है और गोल क्या है. करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर पाते हैं? तो जो हम कर पाने में सक्षम है, दैट इज अवर गोल. विशेष तो बहुत सारी है हमारे साथ, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन जो हम कर पाते हैं दैट इज अवर. ठीक है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहां तक, कोई सवाल है? आगे बढ़े. हाँ मैम, नो मैम, कैरी ऑन, आगे बढ़िए.
थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी टिप्स ले लेते हैं कि कैसे गोल सेटिंग में हमको मदद मिलती है जिनसे. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करके आप बहुत बढ़िया लक्ष्य अपने लिए बना ही लेंगे, बट लक्ष्यों को सेट करने में और उनको अचीव करने में हमको थोड़ी मदद मिलती है अगर हम थोड़े थोड़े इन टिप्स को इस्तेमाल करें. कैसे सेट करना है, क्या करना है, कैसे लक्ष्य बनाना है, इस पर तो हमने बात कर ली. जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य बनाया ना, उसको कहीं लिख कर रख लें. ठीक है, लिख कर रख लें और उसको समय समय पर देखते रहें. मैं बहुत सारे बच्चों के कमरों में देखती हूँ, ऐसे दीवारों पे छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते हैं, कहीं दीवारों पे कुछ कुछ लिखा होता है कि वो क्या करना चाहते हैं. आपने भी देखा होगा, आपने से जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज गोइंग अगर होंगे, वैसे मुझे लगता है आपने से ज़्यादातर लोग फ्रेश आए हैं इस जॉब में, या मे बी आप सीनियर्स भी होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा. हॉस्टल में आप कभी जाएं तो आप पाएंगे कि बच्चों के कमरों की दीवारों पे कुछ कुछ ऐसा लिखा होता है, स्टिकर्स लगे होते हैं. तो ये सब क्यों? क्योंकि आप जब अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं, उनको कहीं लिख के रख लेते हैं और आप समय समय पर उनको देखते रहते हैं, तो आपको याद आता रहता है कि यस ये मेरा टारगेट है. मुझे बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है, मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे अपने इस टारगेट के साथ ही आगे जाना है, यही काम. राइट, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं अगर आप ऐसा करें. मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं फिल्में विल्में बड़ी देखती हूँ और मैं फिल्मों के एग्जाम्पल्स भी बहुत कोट करती हूँ अपने सेशन से. आपने ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी है? उस फिल्म में हीरो के पास अपनी एक एल्बम जिसमें वो अलग अलग देशों के पिक्चर्स लगा के रखता है कि दिस इज माय टारगेट, अब अगला ये, अगला ये, अगला ये. राइट, होता है ना कि ये विश है मेरी, ये मुझे करना है, ये मेरा गोल. तो दैट इंस्पायर्स हिम ऑलवेज, यस अभी मेरे लिए ये अचीव करना बचा है. आप एक विलन फिल्म देखिए, उसमें भी एक छोटी सी डायरी वो हमेशा अपने बैग में रख, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं ये भी करना चाहता हूँ. तो आई मीन दैट इज कि आप कहीं लिख के रखें, उसे समय समय पर देखते रहे तो आपको याद आता रहता है और आप फोकस्ड रहते हैं. ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से आपने प्राप्त कर लिया, जो भी आपने अपने लिए सेट किया है आपने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है, तो वो बड़ा ईजी हो गया आपके लिए. तो अब अगला जो आप लक्ष्य बनाए उसको थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा हार्डर गोल आप अपने लिए सेट करें. कि जैसे मैंने आपको माउंटेनियरिंग का बताया था, तो आप ठीक है डोंगरगढ़ आपने आसानी से चढ़ लिया, तो अब अगला जरा अमरनाथ हो आइए या जरा कैलाश मानसरोवर हो आइए, तो बहुत सारा कठिन टास्क आपका हो जाएगा. ठीक है, तो जो अगले लक्ष्य हो वो पहले वाले से थोड़े कठिन हो, क्योंकि आपने पिछला आसानी से प्राप्त कर लिया. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होते, आप फेल हो जाते. इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपने कुछ सीखा नहीं है. अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपके साथ दो ही बातें, या तो आप जीतते हैं और या आप सीखते हैं. हार जैसा तो कोई नहीं होना चाहिए डिक्शनरी में. या तो आप जीतते हैं, आपने हासिल कर लिया, और अगर आप नहीं हासिल कर पाए तो आपने कुछ ना कुछ सीखा कि कहां मुझसे कमी रह गई, कहां मुझसे गलती हो गई, और मुझे अगली बार इस कमी से ओवरकम करते हुए, इस गलती को सुधारते हुए दोबारा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े. तो या तो आप जीतते हैं और या तो आप सीखते हैं, इस बात को जरूर ध्यान में रखें आप. दिस इज नॉट गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है. आप सब मानते हैं कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गोल ही आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है. जो आपने लक्ष्य बनाया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. तो आप जब अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं तो आप बहुत क्लियरली ये डिसाइड या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट. लक्ष्य आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं. लक्ष्य आपको सामने ये दिखता रहता है कि मुझे ये करना है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे ये करना. मैंने सोचा कि मुझे कुछ बहुत अच्छा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना, और मेरे सामने ये लक्ष्य है कि मुझे माता पिता का नाम आगे बढ़ाना. तो बस मुझे ये दिखता रहेगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि इनका मैं नाम बहुत आगे बढ़ा सकूं. ठीक है, तो ये मुझे मोटिवेट करता है. और इसके साथ साथ जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ कुछ स्टेप वाइज बढ़ते हैं, तो ये बात भी आपको मोटिवेट करती है, यस आई हैव रीच्ड टू फर्स्ट, मैंने एक स्टेप तो पार कर ही लिया. राइट, तो इस तरह से आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी. आप
को लगता है यस मैं तो कर सकता हूँ, देखो मैंने एक स्टेज तो कर ही लिया, मैं अगला भी कर ही लूंगा, डेफिनेटली मैं कर लूंगा, तो ये आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको एनर्जाइज करता है। समटाइम्स आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं, अपने लक्ष्यों से ही आपको चैलेंजेस मिलते हैं कि आप लक्ष्य हासिल करने के लिए गए हैं और कहीं पर आपको लगा कि ये तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं, नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर मी, तो उसको आप चैलेंज की तरह एक्सेप्ट भी करते हैं, तो ये भी आपके लिए फायदा है। कई बार आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने का भी मौका मिलता है, जब आप लक्ष्य बना के आगे बढ़ते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर से आप उसको पा नहीं सक रहे हैं, तो आप कुछ नए तरीके ट्राई करते हैं, कुछ इनोवेशंस करते हैं, आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लक्ष्य निर्धारित करना आपको कई मायनों में, कई चीजों में फायदे दे सकता है। आपको लगता है इसके अलावा भी कोई बेनिफिट्स हैं हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित करने के? आपको लगता है, अगर आप में किसी को भी लगता है कि आप इस पूरे प्रेजेंटेशन में, आज के पूरे टॉक में कहीं कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कुछ छूटा है जिसको कि इसमें जरूर जोड़ा जाना चाहिए, तो एनी वन ऑफ यू कैन। मैम, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम अपना चलना शुरू कर देते हैं, अपने सील बना लेते हैं, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पाने के लिए, इसलिए निर्धारित करने के बाद ही चलना शुरू होता है। आपको एक डायरेक्शन मिलती है ना, आपको दिशा मिलती है, राइट, आपको फोकस मिलता है, आपको दूर कुछ दिखता होता है कि वहां तक पहुंचना है, तो आप चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ड्रीम बिग, बहुत बड़े बड़े सपने देखिए, उन सपनों के लिए लक्ष्य बनाइए, उन सपनों को पूरा करने के लिए गोल सेट करिए और जुट जाइए, बिल्कुल जुट जाइए, टेक एक्शन। और अगर आप में से किसी ने कभी भी अपने लिए ये लिख रखा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आई कांट डू इट, तो एक कैंची उठाइए और उस टी को काट कर अलग कर दीजिए, राइट, और बचने दीजिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली, कोऑपरेटिंग विथ मी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन मैडम विथ एग्जांपल्स, विथ कोट्स, विथ कोटेशंस, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर सीमा मैम, बहुत अच्छा क्लास रहा, हमारे प्रिंसिपल के लिए बहुत मोटिवेटिव क्लास रहा, उम्मीद है आपसे और हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। Tomorrow also I'll be taking a class.